हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और आज मैं आप लोगों को डिटरमिनेंट चैप्टर यानी कि सारणिक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव टेस्ट लेने वाला हूं। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, और आज हम आपको वैसा प्रश्न ही बताने वाले हैं जो किसी न किसी साल पूछा गया सवाल है। तो आप लोग बस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, और उसके बाद हम आपको पूरा सोल्यूशन के साथ आंसर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन 100% राइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव टेस्ट को। इससे पहले मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स में 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक क्वेश्चन का आंसर करवा दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन नंबर 17 से। तो 17 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है 1, 2, 4, 2। तो आपको बताना है कि 2A का डिटर्मिनांट क्या होगा, यानी डिटर्मिनांट ऑफ 2A वैल्यू किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन 2 × डिटरमिनेंट ऑफ A, दूसरा 4 × डिटरमिनेंट ऑफ A, और तीसरा 8 × डिटरमिनेंट ऑफ A, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, और इसके लिए अभी से आपको मिलता है ओनली 10 सेकेंड का समय। 10 सेकेंड के बाद हम इसका आंसर आपको पूरा सोल्यूशन के साथ बताएंगे। तो देखिए, चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दे कि पहले आपको 2A निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, 2A जब निकालेंगे ना, तो आपको इस सारे जो मैट्रिक्स है, इस सारे एलिमेंट में आपको 2 से गुना कर देना होगा। तो 2 ये हो जाएगा 4, और ये 8, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसका डिटर्मिनांट निकालते हैं, यानी कि 2A का डिटर्मिनांट निकालते हैं, तो डिटर्मिनांट का सिंबल ये होता है, और इसमें लिखेंगे 2, 4, 8, 4। और इसका अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो 4 × 8 और 8 × 4 = 32, यानी कि आप इसको अगर घटाएंगे तो माइनस में 24 आएगा ये। अब आप सोचना आप लोगों को यह है कि ये वैल्यू जो है किसका वैल्यू -24 के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं पहले कि 2 × डिटरमिनेंट ऑफ A, 2 का 2, और डिटरमिनेंट ऑफ A मतलब यह 1, 2, 4, 2, ठीक है। ये 2 बाहर रखिएगा, इसको गुना कीजिएगा पहले 2 - 8, यानी 2 × 2, और 2 में से 8 घटेगा -6, यानी आएगा -12। तो ये वाला वैल्यू तो बराबर नहीं किया, यानी पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा देखिए, अगर ये 4 रहता तो यहाँ अगर हम 4 कर दे तो सोच लीजिए, 4 × -6 रहता तो -24 आ जाता। तो इसका क्या मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर B जो था वह राइट आंसर था। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आप लोगों का कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर B सही था। तो चलिए, जो लोग ऑप्शन नंबर B बता रहे थे उन लोगों का सही था। इसी बात पर आते हैं नेक्स्ट सवाल। ये रहा आप लोगों के सामने में 2 नंबर सवाल, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए, इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि कौन सा सही है, और इसके लिए अभी से आपको मिलता है बस 15 सेकेंड का समय। चलिए, तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो लैम्डा है ये क्या है, रियल नंबर से, ठीक है। और आपको ये डिटरमिनेंट का वैल्यू किसके बराबर होगा, अगर लैम्डा से अगर हम गुना करें डिटरमिनेंट में, तो आपको गौर से देख लीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है सारा एलिमेंट में जो डिटरमिनेंट है, अगर मान लीजिए कोई कॉन्स्टेंट से हम गुना करते हैं, तो डिटरमिनेंट में किस में गुना होता है, एगो में होता है या टोटल में गुना हो जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि कोई एक ही रो या कोई एक ही कॉलम में गुना होता है। यहाँ देखिए, यहाँ तो आप इस सारे एलिमेंट में गुना कर दिया। मैट्रिक्स में याद रखिएगा कि मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट में गुना होता है, बट डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कोई एक एक कॉलम में गुना होता है। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर हम लैम्डा से गुना करेंगे तो या तो रो में पहलक्का में कीजिए या दूसरका में कीजिए, या पहलक्का कॉलम में या दूसरका कॉलम में। तो देखिए, ये तो सारा में कर दिया तो गलत हो गया, और सिर्फ एक एलिमेंट में नहीं होता, यह भी गलत है। और ये देखिए, ये आप कॉलम में किया है तो हाँ ये सही है, इसलिए हम इसको राइट आंसर मारेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है वह सही आंसर है। बस याद रखिएगा, हम वैसा ही प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं जो किसी न किसी सवाल पूछा गया सवाल है। तो ये आप लोगों का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने में नेक्स्ट सवाल, देख पा रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 कि एक डिटरमिनेंट है x, 8, 3, 3, वह 0 के बराबर है। तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 8, 24 या 0। इसके लिए अभी से आपको मिलता है ओनली 10 सेकेंड का समय।
ये तो एकदम सिंपल सा सवाल है, हमको लगता है आप लोग जल्दी से ही बता पाएंगे इस सवाल का आंसर। देखिए हम आपको थोड़ा सा जल्दी में ही बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये एक डिटरमिनेंट है तो इसका एक वैल्यू होगा, तो पहले आप क्रॉस गुना कर लेंगे, यानी 3x माइनस ये 8 3 हो जाएगा 24, और किसके बराबर, तो 0 के बराबर। इससे अगर आप सोल्व कीजिएगा तो 3x बराबर हो जाएगा कितना, माइनस में 24 है इधर आएगा तो +24, अगर आप इसको काटिएगा तो 8 बार में कर जाएगा 8 3 24। तो सोच सकते हैं ये तो सिंपल सा सवाल था कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो था वो राइट आंसर है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये रहा आप लोग के सामने में नेक्स्ट सवाल 20 नंबर। देखिएगा कि एक डिटरमिनेंट है एक्स दो 18x, वह किसके बराबर है, तो 6 2 18 और 6 के बराबर है। तो आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है -6 और तीसरा ऑप्शन है +-6 और चौथा ऑप्शन है नन, यानी कि कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर आपको देने के लिए अभी से मिलता है 15 सेकेंड का समय। इस सवाल का आप लोग जल्दी से बताइए, ये तो सिंपल सा सवाल है क्योंकि अभी आपको 2 3 गो सवाल बड़ी सिंपल मिलेगा ही। तो देखिए ये सवाल आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको इसका वैल्यू निकालना होगा। याद रखिएगा ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है बल्कि डिटरमिनेंट का है, तो डिटरमिनेंट में आप बराबर मत कर दीजिएगा, बल्कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू के बराबर होगा, न कि कोना कोना बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। और तो इसीलिए आप इसको बनाना होगा आप लोग को इस तरह से, तो गुना कीजिए एक्स में एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 2 36 और बराबर के बाद इसको भी गुना कर दीजिए, तो 6 में 6 से 36, 18 में 2 से 36, इस तरह से। अब आप देख लीजिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 36 और ये तो 36 में से 36, 0 के बराबर। इसी को अगर आगे बढ़ाए तो एक्स स्क्वायर बराबर -36 इधर आएगा तो +36, स्क्वायर हटाएंगे तो ±√ चढ़ेगा यानी 36। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको कितना आएगा, +-6 36 का वर्गमूल तो +-6 आएगा, यानी आपका आंसर आना चाहिए था +-6, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोगों का राइट आंसर था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये रहा आप लोग के सामने में नेक्स्ट सवाल। देख पा रहे होंगे ये भी एकदम सिंपल सा सवाल है, इस सवाल को तो आप देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं। देखिएगा सवाल नंबर 21 है कि डिटरमिनेंट इसका वैल्यू क्या होगा, 10 2 30 और 6 का वैल्यू क्या होगा। बस सिंपल सा है, 0 10 12 या 60। इस सवाल का आंसर तो आप लोग बहुत जल्द कमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। देखिएगा ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, बस आपको वैल्यू बताना है। तो 10 में 6 से गुना करेंगे तो 10 6 60, बीच में माइनस का साइन होता है, और 30 2 60 यानी 60 में से 60 घटाएंगे तो आंसर आएगा 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये तो सिंपल सा सवाल था, ये रहा आप लोग के सामने में क्वेश्चन नंबर 22। देख पा रहे होंगे 3 1 7 5 0 2 2 5 3, इसका वैल्यू क्या होगा, 124 125 134 या 144। तो इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड का समय ताकि आप इसको कैलकुलेट करके जल्दी से बता सकें। आप लोग कैलकुलेट करके बताइए, तब तक हम भी आपको साथ ही साथ बताते हैं कि कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं। तो याद दिला दे आपको, वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहला को आप झांक लीजिए, 3 लिखने के बाद झांकिए, और ये प्लस है माइनस है, प्लस है साइन याद रखिएगा। 3 को इस तरह से रो और कॉलम इस तरह से डिलीट करते हैं तो बचेगा आपका 0 2 5 और 3, बीच में ये माइनस होता है दूसरा, तो 1 को अगर डिलीट करेंगे इस तरह से तो आएगा आपका 5 2 2 और 3। फिर 7 को डिलीट कीजिएगा तो +7, और 7 को इस तरह से डिलीट करेंगे तो 5 0 2 5 ये आएगा। अब इसी का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 3 को बाहर छोड़ दीजिए, 0 में 3 से तो 0, -5 2 10, ये माइनस 1 रहेगा, इसको गुना कीजिए तो 5 3 15, -2 2 4, और 7 तो रहेगा, 5 5 25 और माइनस में 0। अब आप गुना कीजिए तो माइनस में ये हो जाएगा 30, और 15 में से 4 गए 11, 11 में तो -11 ही रहेगा, और ये 25 7 7 में गुना कीजिएगा तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, और 7 2 14 3 17, यानी कि 175। अब आप जोड़ सकते हैं, ये आ जाएगा आपका -41 + 175, अब घटा लीजिए, 5 में से 1 गया 4 और ये 4 में से 7 में से 4 गया 3, यानी 134 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देख लीजिए 134, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये रहा आप लोग के सामने में नेक्स्ट सवाल। देख पा रहे होंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा,
होगा, 1 1 1, ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन 0 या तीसरा ए प्लस बी प्लस सी या चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे, उसके बाद हम आपको इसको पूरा सोल्व करके बताएंगे कि कौन सा आंसर इसका सही है। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। देखिए इसमें आप दो तरीका से इसको बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि C3 में से आप इसको कर सकते हैं, C3 में अगर C2 को जोड़िएगा ना तो आपको फायदा बहुत जल्द मिल सकता है। जैसे देखिएगा इसको हम ऑपरेशन करते हैं, C3 को चेंज करते हैं और C3 में ना C2 को जोड़ देते हैं। तो सोचिए अगर ऐसा करते हैं तो आपको दो को सेम जल्दी मिल जाएगा। तो पहले आप C3 को चेंज करते हैं, ये आपका C3 होता है, ठीक है। तो C3 को चेंज करते हैं तो दोनों को आप छाप दीजिएगा, 1 1 1, ए बी सी। देखिए ये आपका C2 है और ये C3 है, तो ये दोनों को जोड़ना है तो जोड़िए। इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, फिर बी सी ए है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ये सी ए बी है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये थर्ड कॉलम से आपको दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी प्लस सी आप कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप कॉमन लीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो सोच लीजिए क्या बचेगा, यहाँ 1 1 1 तो था ही और यहाँ आपका बचेगा ए बी सी और 1 1 1, इसमें बच जाएगा। अब आपको पता है दो गो रो या दो गो कॉलम बराबर होता है तो उसका आंसर क्या होता है, 0। तो इसका 0 आएगा तो गुणा करेंगे भी तो आंसर कितना आएगा, 0, यानी आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कैसा ही है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नंबर सवाल, ये सवाल आप लोगों के सामने में है कि ओमेगा इज ए नॉन रियल रूट्स यानी मूल है ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस वन बराबर जीरो का। मतलब ये एक्स क्यू माइनस वन एक समीकरण है, उसका जो ओमेगा एक मूल है। तो आपको बताना है कि 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए कि ओमेगा होता क्या है। तो ओमेगा जो है वह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है यानी इकाई का घन मूल है। बस आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन सा सही है। और इस सवाल को आप देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको एक वो चीज़ अगर याद होगा तो। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक फॉर्मूला आपको इसमें याद होना चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, तो 0 के बराबर होता है। तो इससे हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सोचिएगा ध्यान से कि अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर आप एक्सपेंड कर दें इस तरह से, देखिएगा R1 को चेंज कर दीजिए, R1 प्लस R2 और प्लस में R3 अगर आप ऐसा प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, तो गौर से देखिएगा आपका ये डिटर्मिनेंट कैसा हो जाएगा। ये आपका R1 है ना, तो ये आप चेंज करेंगे तो आप क्या कीजिए, पहले आप बाकी सबको उतार दीजिए, जो आपका R2 है और R3 है, और इस तरह से R2 और R3 को छाप दिए। अब आप सोचिए कि हम इसमें इसको इसको तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको इसको जोड़ेंगे तो वही लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसको भी जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आप लिख लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप सोचिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का तब वह 0 होगा, तो ऊपर में यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, 0 0 0। तो बताइए अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का तीनों एक रो डायरेक्ट पूरा 0 तो इसका तो वैल्यू 0 होगा। समझ में आया, बस आपको ये वो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, तो 0 के बराबर होता है। बस आप क्या किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप जोड़ सकते थे तो आपको आया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर 0 होता है, तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका आंसर कौन सा आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए जो था इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ये रहा आप लोग के सामने में, देखिएगा नेक्स्ट सवाल ये रहा, नेक्स्ट सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, देखिएगा ये सवाल आप लोग के सामने में 26 नंबर प्रश्न है कि 1 1 x 1 1 1 x y z x square y square z square किसके बराबर है। तो ऑप्शन आप लोग पहले अच्छा से देख लीजिए किसके बराबर है, ऑप्शन देख पा रहे होंगे ए बी सी और डी। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करें, अगर सबको याद होगा ये क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा ना तो आप इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो हम आपको दो तरीका से बताएंगे, गौर से देखिएगा इसका आंसर आप लोग जानने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें दो को जीरो ला के इसको आप प्रूफ करते हैं, और ये क्वेश्चन है क्या इसको हम थोड़ा सा पहले क्वेश्चन बता देते हैं, 1 1 1 x y z
एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये सवाल है और इसको आप प्रूफ करते हैं। ये 5 नंबर के सवाल में आपसे इस तरह से कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये सवाल ही है बुआ, इसको प्रूफ करते हैं। तो अगर आपको ये वाला याद है कि एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स होता है सीरियल वाइज से, तो आप देख लीजिए ऑप्शन, यहाँ पर प्लस जेड कर दिया गलत है या प्लस कर दिया गलत है, इसमें जेड वाला में प्लस कर दिया, ये तीनों माइनस में है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो था वह राइट आंसर है। तो बस आपको थोड़ा सा याद होता है कि ये क्वेश्चन टाइप किस टाइप का होता है, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ, अगर आपको न याद है तब आपको इसको प्रूफ करना होगा, तो आप 2 को 0 लाइएगा, मतलब 2 को 0 लाकर इसको एक्सपेंड कीजिएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। तो जब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तो इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करके भी बताएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट सवाल, और ये भी सवाल आप लोगों को कई बार पूछा गया है बुआ सा, क्वेश्चन नंबर 27। देख पा रहे होंगे कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, मतलब ए पी में है, तो आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन आप लोग देख लीजिए 1 है, दूसरा ऑप्शन x है, तीसरा ऑप्शन 0 या चौथा ऑप्शन 2x। तो इस सवाल का आंसर दीजिए, और इसमें भी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसका आप यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और आपको मेहनत भी कम लगेगा। तो देखिए इसका आंसर अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले याद रखिए, अगर जैसे ही आपको दिख जाए कि एपी वाला क्वेश्चन, ठीक है, एपी वाला दिख जाए, तो अगर ये एपी वाला क्वेश्चन रहा है ना, तो उसका आंसर आप याद रखिएगा कि उसका आंसर फिक्स है कि 0 ही आएगा। तो बस आपको बस याद रखना है कि एपी का क्वेश्चन होना चाहिए और डिटरमिनेंट में कोई वैल्यू पूछ रहा हो, तो उसका आंसर आप आंख बंद करके 0 मार दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा आपको समय भी नहीं लगेगा, और इसको अगर आप बनाना चाहे, अगर आप इसको बनाना चाहें तो थोड़ा सा हम आपको बनाकर भी बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कोई लोग हदर जाइएगा। तो देखिए ए बी सी अगर ए पी में है, तो आपको याद दिला दे ए पी में होने का क्या मतलब है बउआ, ये ए पी में है, ठीक है, एपी में है, बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आप लोग धैर्य रखिएगा और इसको हम पूरा बनाकर बताते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए दूसरा माइनस पहला, दूसरा माइनस पहला किसके बराबर होगा, तो तीसरा माइनस दूसरा के बराबर होता है, यह है ना, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 के बराबर। तो देखिए इसको आप एक साइड कर लीजिए, माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी, एंड 2b बराबर माइनस ए इधर आके प्लस ए, तो ए प्लस सी, और इसे आप बी का मान निकाल सकते हैं, तो ए प्लस सी बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर भी समीकरण एक मान सकते हैं, 2b किसके बराबर, तो ए प्लस सी के बराबर, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको एक्सपेंड ना करते हुए आप किसी किसी चीज को रो या कॉलम को ऑपरेशन करके देखिए कि किससे आपको काम बनेगा। तो गौर से देखिएगा, देखिए इसको करना क्या होगा, पहले आप किसी एक रो को चेंज करते इस तरह से कि R1 को चेंज करते हैं, और R1 में गौर से देखिए इस लाइन को इस लाइन के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि R1 प्लस R3 को जोड़ देते हैं, और उसमें से उसको घटा लेते हैं कि इसको R2 को, लेकिन डायरेक्ट R2 नहीं बल्कि 2R2 घटाइएगा। इसे फायदा क्या होगा देखिएगा, गौर से आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, पहले हम किसका ऑपरेशन कर रहे थे, R1 का, तो आप क्या कीजिए पहले R2 और R3 को आप छाप लीजिए, तो x+3 x+4 और x+2 भी आप छाप लिए, और ex3 को आप r3 को भी छाप लीजिए, जस का तस आपका रहेगा पहले, तो x+2c इस तरह से, ठीक है। अब आप सोचिए हमने आपको क्या बताया कि r1 और r3 को जोड़िए, इस लाइन को और इस लाइन को जोड़कर, और उसमें से आपको घटा लेना है 2r2, मतलब इसमें 2 से गुना करके और इसको इसको जोड़ेंगे ना, उसमें से घटाना है, तो इसको जोड़िए, x और x कितना होगा, तो देखिए आप ध्यान से कि इसको इसको अगर आप जोड़िएगा तो x x 2x होगा, और ये 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप गौर से देखिए ये 2x था, इसको हम इधर थोड़ा सा लिख के बताते हैं, तो 2x+6 आया ना। अब आप बताइए इसमें हम 2 से गुना करने के लिए बोले तो ये अभी तक 2x+6 आए, तो 2x+6, और हमको करना क्या, घटाना है, तो इसको अगर आप घटा दीजिएगा तो ये तो पूरा कट जाएगा ना, तो इसका आंसर 0 आएगा। बात समझ में आया, उसी तरह से इसको इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, x x 2x, और ये 5 3 8 आएगा, तो 2x+8 है ना, इसको इसको जोड़कर, और इसमें अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो ये अभी तक 2x+8 आएगा, तो इसको घटाएंगे तो ये अभी 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है, अब आप देखिए x x, तो ये अभी 2x होगा, इसमें 2x गुना करेंगे तो 2x 2x कटेगा, लेकिन इस बार क्या बच जाएगा देखिएगा, ये 2a+2c, तो इसको हम जोड़ देते हैं 2a+2c, और घटाएंगे किसको, ये 2b को, लेकिन इसमें आपको 2 से गुना कर रहे थे, तो माइनस में 4b आप घटाइएगा, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पर 2 को 0 तो आपको प्राप्त हो चुका है, अब इस सबको हम छोड़ देते हैं, बस हमको मेन दिक्कत ये है, अगर इसका मान 0 आया तो समझिए यहाँ पर भी 0 होगा, ये पूरा माने 0 हो जाएगा। अब कैसे, अभी आपको एक चीज़ बताए थे, गौर से देखिएगा इधर, कि हमने क्या बताया था कि 2b किसके बराबर है, तो a+c के बराबर है, क्योंकि ap में कह रहा था, तो 2b के चलते हम क्या लिख सकते हैं, a+c, या a+c के चलते लिख सकते हैं 2b। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर आप गौर से देखिए 2a+2c है ना, तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a+c
माइनस फोर बी, बस इसी चीज़ को लिखते हैं, ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा, टू के टू। और ए प्लस सी किसके बराबर है, तो हमने बताया अभी टू बी के बराबर, ये माइनस में फोर बी रहेगा। अब सोच लीजिए, दो दूना चार, चार बी में से चार बी घटेगा तो जीरो, यानी कि इस जगह पर आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसलिए अगर एक रो में पूरा जीरो हो या एक कॉलम में पूरा जीरो हो तो उसका आंसर है जीरो होता है, यानी इसका आंसर आपका जीरो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही था। तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि अगर एपी का सवाल है तो उसका आंसर जीरो होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी सवाल नंबर 28। ये सवाल है वन प्लस ए वन वन वन, वन प्लस ए वन वन वन, वन प्लस ए जीरो के बराबर है, तो आपको बताना है ए का वैल्यू क्या होगा। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है जिससे कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी रो या किसी कॉलम को आप अगर ऑपरेशन करते हैं इस तरह से, पहले आप लोग इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर लीजिए, तो उसके बाद हम आपको इसको बताते हैं बस 10 सेकंड में, ठीक है। तो देखते हैं, आप लोगों को 10 सेकंड का समय देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि किसी रो या किसी कॉलम से आप ऑपरेशन कर सकते हैं इस तरह से, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर हम C1 चेंज करें, C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़े, जैसे ये C1, ये C2, ये C3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस है 1 1 2 और ये 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस है, यह भी आपका 3 प्लस ए आएगा और यह भी 3 प्लस ए आएगा, और ये दो बेचारा जस के, तो सोचिए इसको अगर हम कॉमन ले लें तो 3 प्लस ए तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 और ये सब बाकी सब बेचारा जस के 10। अब आपको पता है कि दो गो रो अगर या कॉलम में आप दो गो सुनना ले आते हैं तो आप आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप चेंज कर सकते थे, तो हमने किया R1 को चेंज, R1 में से R2 और R2 को चेंज किया तो R2 में से R3, तो ये वाला R1 में से इसको R2 घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, इस 1 में से इसको घटाएंगे तो माइनस है, इसमें 1 में से 1 तो 0, फिर दूसरा में से हम तीसरा को घटाएं तो 1 में से 1 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो a और 1 में से इसको घटाएंगे तो माइनस है, और ये वाला बेचारा जस के 10। इसको दो को 0 जैसे ही प्राप्त हो जाए, आपको पता है कि एक्सपेंड कर देते हैं, झांक देते हैं, तो क्या बचेगा माइनस ए बचेगा, तो माइनस ए तो यानी ए स्क्वायर और 0 में से तो 0, तो सोच लीजिए कितना बचा, 3 प्लस ए और इंटू में ए स्क्वायर, और ये किसके बराबर दिए हुए था, तो 0 के बराबर दिए हुए था। अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो इसे दो को वैल्यू आ सकता है, एगो 0 और एगो -3, +3 है तो इधर आएगा तो -3। तो अब आप आंसर मिला लीजिए कौन सा सही है, तो -3 आप लोगों का तो दिख रहा है और a बराबर 0 भी सही है, तो इसलिए दोनों आंसर तो आप लोगों का सही है, तो कोई ना कोई ऑप्शन एक के को सही रहेगा, ठीक है। और यहां पर तो आपका ऑप्शन दोनों सही है, इसलिए आप a या b दोनों कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए परीक्षा में आपको कोई एक के को ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर हो सकता है कि -3 रहे तो 0 नहीं रहेगा, 0 रहेगा तो -3 नहीं रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ये रहा आप लोग के सामने में सवाल नंबर 29। देख पा रहे होंगे सवाल नंबर 29 यह है कि यदि आई 2×2 का इकाई आवयु है, मतलब कि आई जो है वह एक यूनिट मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, 2×2 ऑर्डर का, तो आपको बताना है कि डिटरमिनेंट ऑफ आई का वैल्यू क्या होगा, 0, 1, 2 या 4। ये तो बड़े सस्ता सा सवाल है, इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, क्योंकि ये तो बड़ी सिंपल सा सवाल है, इसको आप देखते ही टिक कर सकते हैं। हाँ चलिए अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स टू ऑर्डर में क्या होता है, 1, 0, 0, 1, यही होता है ना, और इसका डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट का साइन लगा दिए, अब इसको गुना कर लीजिए तो 1 और 0 में 0 से तो 0, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए था 1, ठीक है। तो ये तो आपका बड़ी सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। इसी बात पर आते हैं नेक्स्ट सवाल, ये रहा आप लोग के सामने में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 30 कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है अव्युत्क्रमणीय, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2×2 मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, ठीक है। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो हमने आपको इसका तो लगता है डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, अगर आपको याद है तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको बताते हैं 10 सेकंड के बाद, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करिए कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है। देखिए अब आपको बता दें कि ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि ए इनवर्स का अगर डिटरमिनेंट पूछे ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये दोनों एक ही चीज़ है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। तो आप सोच लीजिए कि 1 बटा डिटरमिनेंट कौन सा ऑप्शन है, तो ये तो फॉर्मूला ही था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था, ठीक है। बस आपको हमने आपको फॉर्मूला वाला वीडियो में भी यह फॉर्मूला बताया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा आप लोग के सामने में कि यदि ए जो है कोई मैट्रिक्स जो है
तीन ऑर्डर तीन का कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, एक क्या है, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर 3×3 है। तो आपको बताना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट किसके बराबर है। तो आपको याद दिला दें, यह भी एक फॉर्मूला ही है जो आप लोग को याद होना चाहिए। तो पहले आप लोग आंसर कमेंट कर लीजिए, तो हम आपको याद दिलाते हैं इसका एक फॉर्मूला कि एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है बउआ डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, और एन क्या है तो ऑर्डर बताता है। तो ऑर्डर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3×3 है, तो आप आराम से इसमें रख देते डिटर्मिनांट ऑफ ए के पावर 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 लिखते तो इस तरह से डिटर्मिनांट ऑफ ए का स्क्वायर के बराबर होता अगर ऑर्डर 3×3 है तो, और अगर ऑर्डर 2×2 होता तो आप लिखते 2 माइनस 1। ठीक है, इन्हें कि 3×3 9 माइनस 1 लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या होता है n माइनस वन, एन मतलब ऑर्डर जितना रहता है उतना। तो आप गौर से देख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर के बराबर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, सेम फॉर्मूला पर ही आते हैं। यह भी आप लोग का सिंपल सा फॉर्मूला ही है, देख पा रहे होंगे कि ए अगर कोई मैट्रिक्स एन इंटू एन का ऑर्डर वाला है, और कैसा मैट्रिक्स है तो वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो ये तो डायरेक्ट अभी आपको फॉर्मूला ही बता दिया गया, अब तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर ही सकते हैं, क्योंकि अभी आपको जस्ट बताए थे कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर अगर एन इंटू एन ऑर्डर रहता है तो। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ओनली 10 सेकेंड। देखिए इसका तो हमने आपको बस अभी तुरंत फॉर्मूला ही बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर एन माइनस वन के बराबर होता है। तो ये सिंपल सी बात था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ये तो सब लोग सही आंसर ही दिए होंगे, और इस तरह से आपका बी नंबर सही है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ये रहा आप लोग के सामने में नेक्स्ट सवाल बुआ सा कि यदि ए इज ए 3×3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है कि के इंटू ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन है k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, या k स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए, या k क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए, या 3k डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, अभी एक फॉर्मूला की तरह ही आपको काम इसमें करने वाला है। ठीक है, कि देखिए हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तब तक आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा सही है। तो आपको याद दिला दे कि ये क्या कर रहा है, 3×3 एक का मैट्रिक्स है, और उसमें आपको के से गुना करना है। तो आप याद रखिए कि ये कोई डिटर्मिनेंट होगा जो 3×3 में, तो इसमें भी के से गुना होगा, है ना। मैट्रिक्स के देखिए के ए का मतलब होता है, ये पहले आप मैट्रिक्स ले लीजिए, तो मैट्रिक्स ले लीजिए तो मान लीजिए के इसमें भी के से गुना, इसमें भी के से सब में के से गुना होगा। और जैसे ही इसको आप डिटर्मिनेंट में बदलिएगा ना, तो आपको याद दिला दे इस रो से भी के कॉमन होगा, इस रो से भी के कॉमन होगा, इस रो से भी के कॉमन होगा। तो के कै गो कॉमन होगा, तो 3 गो कॉमन होगा, क्योंकि ऑर्डर अगर 3 है तो के 3 गो कॉमन होगा। या आप इसका एक फॉर्मूला सिंपल सा याद रख सकते हैं, के पावर होता है के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ई वाला। ठीक है, कि के एक का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, तो के पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर। तो एन कहने का मतलब ऑर्डर, तो ऑर्डर आप देख लीजिए 3×3 है, तो आप लिख सकते हैं के पावर 3, और ये रहा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, करने गया ये रहा आप लोगों का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो आज का लास्ट सवाल ये रहा, एकदम सिंपल सा लास्ट सवाल है, और इस सवाल का आंसर हर एक स्टूडेंट सही करेगा ही करेगा, क्योंकि आपसे पूछा गया सिंपल सा कि इफ ए इज ए एम इंटू एन मैट्रिक्स है, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, एम गुने एन है, तो एडस इज क्या, मतलब एडस का ऑर्डर क्या होगा, बस आपको यह बताना है। मतलब क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझेंगे, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, अगर हम एडस निकालें तो एडस का नया ऑर्डर क्या बनता है, बस आपको यह बता देना है। सिंपल सा प्रश्न है, बस आप जल्दी से बताइए, और इसके लिए अभी से 10 सेकेंड। ये सवाल तो आप देखते ही आंसर कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही ये दिए थे ताकि आप जल्दी से ही बता सकें, और ये आप लोगों का लास्ट सवाल है। तो आपको याद दिला दे कि आप सभी लोग को याद होना चाहिए कि डैश निकालने का क्या मतलब होता है, कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स अगर इस तरह से रहता है ए आई से, और इसका अगर ऑर्डर एम इंटू एन है, और जैसे ही इसको डैश निकालते हैं बउआ सर, तो डैश में हो जाता है जे आई, और इसका एम इंटू एन था वो हो जाता है एन इंटू एम, ये वाला ऑर्डर हो जाता है। तो बस ऑर्डर उलट जाता है, तो अब आप देख लीजिए अगर एम इंटू एन था तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एम, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो था वह राइट आंसर था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। तो हमने आपको अभी क्वेश्चन
जो डिटरमिनेंट का ऑब्जेक्टिव, जो ज़्यादातर ये सारा सवाल आपको क्वेश्चन बैंक का ही सवाल है और वह किसी न किसी साल पूछा गया सवाल है। तो उम्मीद है आपको ये टेस्ट तो अच्छा लगा ही लगा होगा, और आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। तो आज के इस टेस्ट को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव टेस्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।